नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि पुरुष अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि उनको कैसी पत्नी मिलेगी, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपकी आपके लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बनती है तो उसके लिए क्या उपाय करें जिससे कि वैवाहिक जीवन सुखद हो, इस पर भी पंडित जी से बात करेंगे। साथ ही सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि यदि आज आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकले कि लाभ हो। शुभ मंगल सावधान में जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 31 मार्च 2024 दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात 9:30 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात 10:57 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, रात 10:57 तक। राहु काल का समय शाम 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे कि पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, क्या ये पुरुष की कुंडली से देखकर जाना जा सकता है। पंडित जी, कुंडली में जो सातवां भाव होता है वो लाइफ पार्टनर का होता है, तो क्या पुरुष की कुंडली देख करके ये समझा जा सकता है कि पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, कैसी पत्नी होगी? देखिए, आज हम बताएंगे कि क्या संभावना है आपकी कुंडली के हिसाब से कि आपकी पत्नी कैसी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और किसी व्यक्ति की पुरुष की कुंडली देख करके उसके होने वाली पत्नी कैसी है, स्वभाव में, रूप रंग में, आकर्षण में, उसकी पत्नी का व्यक्तित्व कुल मिला के कैसा है, ये हम जान सकते हैं। कैसे? पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो सप्तम भाव है और जो शुक्र है, ये कुल मिला के पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुष के बृहस्पति से हम पत्नी का स्वभाव जान सकते हैं और पत्नी का करियर जान सकते हैं। राशियों के आधार पर भी काफी हद तक पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है कि आपकी पत्नी कैसी होंगी। वर्किंग होंगी, होम मेकर होंगी, गृहस्थ होंगी, या बहुत साधारण होंगी, या बड़ी एग्रेसिव होंगी, ये आपकी कुंडली देख करके, राशियों को समझ करके बहुत हद तक जाना जा सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, क्या कुंडली देखकर ये जान सकते हैं। पंडित जी, कुंडली देखकर कब पता लगेगा कि जो जीवन साथी है वो साधारण होगा? बहुत सारे लोगों की पत्नियां बड़ी साधारण होती हैं, पढ़ाई लिखाई में भी साधारण होती हैं, व्यवहार के मामले में भी साधारण होती हैं। एक सामान्य महिला, एक एवरेज लाइफ पार्टनर मिलता है बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में। कब आपकी पत्नी, किसी पुरुष की पत्नी साधारण होती है? अगर पुरुष की कुंडली में मंगल या सूर्य की प्रधानता होगी तो उसकी पत्नी साधारण होगी। अगर पुरुष की राशि वृषभ, कन्या,
मकर, मिथुन, तुला या कुंभ होगी तो भी उसकी पत्नी साधारण हो सकती है। अगर किसी पुरुष के हाथों में चंद्र पर्वत, ये वाला इलाका, चंद्रमा का पर्वत अगर दबा हुआ है, अगर कमजोर है, तो उसकी पत्नी साधारण होगी, ये संभावना भी बनती है। यानी पुरुष की कुंडली देख करके जान सकते हैं कि उसकी पत्नी एवरेज स्वभाव की, साधारण बिहेवियर की होगी या तेज स्वभाव की होगी। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। आज हम बात कर रहे हैं कि पुरुष की कुंडली देखकर कैसे जान सकते हैं कि उनकी जो पत्नी होगी वो घर गृहस्थी वाली होगी, घर परिवार को संभालने वाली होगी। पंडित जी, क्या ये कुंडली देखकर जाना जा सकता है कि गृहस्थी संभालने वाली लाइफ पार्टनर मिलेगी? देखिए, कुंडली देख करके ये जान सकते हैं कि आपकी पत्नी हाउस वाइफ होंगी या वर्किंग होंगी। हाउस वाइफ का मतलब आपकी पत्नी होम मेकर है, घर संभालती हैं, जीवन चलाती हैं, गृहस्थ पत्नी है, ऐसा कब होता है? जो पुरुष शनि या चंद्रमा प्रधान होते हैं, जिन पुरुषों की कुंडली में शनि या चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां आमतौर पर गृहस्थ होती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि के जातकों की पत्नियां आम तौर पर गृहस्थ यानी होम मेकर होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी और पतली हों, यानी पुरुष के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो, तो उनके पत्नी के गृहस्थ होने की, होम मेकर होने की संभावना ज्यादा होती है। यानी किसी पुरुष की कुंडली देख करके आप जान जाएंगे कि उनकी पत्नी होम मेकर हैं या वर्किंग हैं और उनके जीवन में पत्नी के काम करने की क्या संभावना है। आज हम बात कर रहे हैं कि पुरुष की कुंडली से
कैसे आप जान सकते हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, पत्नी है, वो किसी प्रोफेशन से जुड़ी होंगी, कामकाजी होंगी? पंडित जी, क्या ऐसी ग्रहों की स्थितियां होती हैं जिनसे ये पता किया जा सके कि आपकी पत्नी जो है कामकाज करने वाली होंगी? बिल्कुल ऐसा जाना जा सकता है, और बहुत बार ऐसी पत्नियां मिलती हैं कि शादी के समय तो काम नहीं करती हैं, लेकिन शादी के बाद पति के भाग्य की वजह से वो नौकरी में चली जाती हैं। यानी बहुत सारे पुरुषों की कुंडली में इस बात के इंडिकेशन होते हैं कि आपकी पत्नी कामकाजी होगी। कैसे? बृहस्पति, बुध और मंगल प्रधान जो पुरुष होते हैं, बृहस्पति प्रधान, बुध प्रधान या मंगल प्रधान जो पुरुष होते हैं, उनको आम तौर पर कामकाजी पत्नी मिलती है। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि वालों के पुरुषों की पत्नियां आम तौर पर कामकाजी देखी जाती हैं, काम वाली होती हैं। जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल होता है या बृहस्पति पर्वत पर लकीर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां भी कामकाजी होती हैं। आपको पहले भी बताया था कि पुरुष की पत्नी का जो व्यक्तित्व है, जो पूरा जीवन है, वो उसके बृहस्पति पर निर्भर करता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति प्रबल है, सबल है, तो उसके पत्नी के काम करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब बात कर्क राशि की, चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की, सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, किसी मनोरंजन के कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो आप कैसे पूछें ये आपको बताएंगे। उसके पहले ये बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको फायदा हो। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान आगे देखिएगा, उसमें पंडित जी बताने वाले हैं कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखिएगा,
क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजों के बारे में शास्त्रीय विधान क्या कहता है ये बताते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल की। यदि आपके मन में सवाल है तो अपने जन्म की तारीख लिखिए, जन्म स्थान लिखिए, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न संजय शर्मा जी ने हमें लिखा है और संजय शर्मा जी हमें बुलंदशहर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1973। जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। संजय जी लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत हैं, तो मेरा स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? संजय जी, आपके स्वास्थ्य में केवल एक ही समस्या है और वो है आपके डाइजेशन की, आपके पेट की। अपने पेट की समस्या का अगर ध्यान दें तो बाकी समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। और आने वाले समय में कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाएगी, कोई बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी, ऐसे इंडिकेशन आपकी कुंडली में नहीं हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पुरुष की कुंडली देखकर जाना जा सकता है कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी। पत्नी पंडित जी शांत स्वभाव की होगी कि नहीं होगी? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं जब कुंडली मिलवाने के लिए आते हैं कि उनकी पत्नी का स्वभाव सरल होगा, शांत होगी कि नहीं, तो क्या ये कुंडली देखकर जान सकते हैं? बहुत सारे लोगों को पत्नियां ऐसी मिलती हैं जो बड़ी धैर्यवान होती हैं, बड़ी शांत होती हैं, कठिन से कठिन स्थितियों में भी एग्रेसिव नहीं होती। तो कब ऐसा होता है? जब सुनने वाली, धैर्य वाली, शांति वाली पत्नी मिलती है। पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर बेहतर हो तो पत्नी शांत स्वभाव की मिलती है। आम तौर पर पत्नी का टेम्परामेंट शांत होता है, धैर्य वाला होता है। वृष, कन्या और मकर राशि के जो पुरुष हैं, आम तौर पर इनकी पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों की हथेली साफ रंग की होती है, रेखाओं का जाल नहीं होता, ऐसे लोगों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं, धैर्यवान होती हैं। अच्छे और सुंदर अंगूठे वाले पुरुषों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं, तालमेल बैठा लेती हैं और धैर्य के साथ जीवन चला लेती हैं। पंडित जी, क्या कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि जो पत्नी होंगी, पुरुष की कुंडली देखकर क्या ये जान सकते हैं कि पत्नी गुस्से वाली होंगी, उग्र स्वभाव की होंगी? पुरुष की कुंडली देखकर ये भी जान सकते हैं कि आपकी पत्नी एग्रेसिव स्वभाव की मिलेगी। हो सकता है व्यवहार की बड़ी अच्छी हो लेकिन स्वभाव की गर्म होंगी। कैसे जाने किसी पुरुष की कुंडली से कि उसकी पत्नी एग्रेसिव होगी? सुनाने वाली होगी, सुनेगी नहीं, 1 का 4 सुनाएगी, एग्रेसिव होगी। हो सकता है स्वभाव अच्छा हो, चीजों को बेहतर रखती हो, लेकिन एग्रेसिव हो। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव है या चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव है, आपको एग्रेसिव पत्नी जरूर मिलेगी। आम तौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों की पत्नियां
सुनाने वाली होती हैं, एग्रेसिव होती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। अगर पुरुष का चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित होगा या शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, पत्नी एग्रेसिव होगी और घर का माहौल खराब करेगी, पुरुष की मानसिक स्थिति को बुरी तरह से चौपट कर देगी। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, परिवार में मतभेद सुलझ जाएंगे, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, यात्रा में सावधानी रखें, व्यर्थ के विवाद ना करें, लिखा पढ़ी में सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पुरुष की कुंडली से कैसे जाना जा सकता है कि जो उनकी पत्नी है उनका स्वभाव कैसा होगा। पंडित जी, मान लीजिए कि पुरुष की कुंडली से ये पता लग रहा है कि स्वभाव उग्र होगा, गुस्से वाली होंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे? बिल्कुल, अगर पुरुष की कुंडली से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि पत्नी उग्र स्वभाव की होगी तो स्वाभाविक बात है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। क्या उपाय किया जाए कि पत्नी के स्वभाव में, पत्नी के साथ तालमेल में इम्प्रूवमेंट हो और जीवन बेहतर हो? अपनी उन आदतों में सुधार लाइए जिनकी वजह से कलेश होता हो। सारी चीजों के लिए पत्नी का दोष नहीं दे सकते, आपकी कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से घर में कलेश होता हो। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। काले रंग से पति और पत्नी दोनों को परहेज करना चाहिए, ज्यादातर सुंदर रंगों का प्रयोग जीवन में करना चाहिए और दोनों को ही शुक्रवार के दिन भगवान की, देवी की पूजा करनी चाहिए और देवी की पूजा सफेद मिठाई अर्पित करके करें। सफेद मिठाई उनको समर्पित करें, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो अच्छा होगा। अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करने से भी
फायदा होगा। शुक्रवार के दिन पति पत्नी देवी की पूजा करें और सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में पहन लें और इसे लंबे समय तक पहने रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए प्रवीण जी, जो मूर्ति होती है वो समग्र रूप से पूरी तरह से एक ऊर्जा के लेवल का निर्माण करती है। जो देवी या देवता का सर है, हाथ है, कटी प्रदेश है, पैर हैं, ये सब मिलकर के एक एनर्जी बनाते हैं संपूर्ण रूप से। जैसे ही मूर्ति खंडित होती है वो एनर्जी कई हिस्सों में बढ़ जाती है और उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो आप उसकी पूजा ना करें, क्योंकि ऊर्जा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये नियम शिवलिंग पर लागू नहीं होता। शिवलिंग निराकार भगवान का स्वरूप है, इसीलिए शिवलिंग खंडित होने पर भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा कर सकते हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं, रुके हुए काम इस समय बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास। बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, आज काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। नंबर 4, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन आज हो सकता है। नंबर 6, धार्मिक कार्य में आपकी व्यस्तता रहेगी। नंबर 7,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, आज आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। नंबर 9, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखें और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न राजेंद्र जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 20 मई 1994, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग भोर में लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है भरूच, गुजरात। ये पूछ रहे हैं मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राजेंद्र जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय शुरू हो रहा है मई के महीने से और इसी साल के अंत में, साल 2024 के अंत में उनके विवाह होने के योग जरूर बनते हैं। विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा ताकि वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या ना हो। फिलहाल अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को आप एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज कोई परीक्षा है, पान का पत्ता खाकर घर से जाएं, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो प्रातः काल सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है तो लाल चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा। और अगर आपको खरीदारी करनी है कोई महत्वपूर्ण, तो आप लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए और आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। दुर्घटना के, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।